अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिजिटेक लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट्स में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनको सीखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो पूरी देखें ताकि आप लोगों को टेबल ऑप्शंस अच्छे से समझ आएँ और आप आसानी से डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, इन बॉक्सेस को सेल्स कहा जाता है। इस तरह अगर मैं यहाँ से राइट साइड मूव कर रहा हूँ तो ये हमारे कॉलम्स हैं, और डाउन साइड मूव करूँगा तो ये हमारी रॉज हैं। तो आपको जितने कॉलम्स और जितनी रॉज यूज़ करनी हो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से 4 कॉलम्स और 3 रॉज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कॉलम्स और 3 रॉज का टेबल बन चुके हैं। इसी तरह और भी हमारे पास तरीके हैं इस टेबल क्रिएट करने के लिए। तो अगेन मैं इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ, टेबल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से अब हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का, इस पर मैं क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शो हो गया, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रॉज। यहाँ से मैं 4 कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और 3 कॉलम्स, और ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अगेन सेम वैसा ही टेबल बन चुका है, 4 कॉलम्स 3 रॉस। इसी तरह और भी ऑप्शंस इसके देख लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करके टेबल में जाना है और यहाँ से इंसर्ट टेबल, अगेन 4 कॉलम्स 3 रॉस। अब हमारे पास यहाँ पे नीचे ऑटो फिट बिहेवियर का ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अभी जो सेलेक्टेड था वो है फिक्स्ड कॉलम विथ और ऑटो फिट टू विंडो, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। ऑटो फिट विंडो को सेलेक्ट किया मैंने और ओके कर दिया। आप देख सकते हैं सेम अगेन वैसा ही टेबल बना है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसको देख लेते हैं, इंसर्ट टेबल देन ऑटो फिट कॉन्टेंट्स, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से 4 कॉलम्स 3 रॉस। ऑटो फिट कॉन्टेंट से क्या होगा, जो हमारा टेबल है वो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे सेल्स की विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम ये ऑटो फिट कॉन्टेंट्स यूज़ करेंगे तो हमारे सेल्स की इतनी ज़्यादा विड्थ नहीं आएगी, वो ऑटो फिटेड होंगे। जैसे ही हम उसमें टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के हिसाब से उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली सेट होगी। तो इसको यूज़ करके देख लेते हैं, ओके किया। आप देख सकते हैं इन सेल्स की विड्थ और यहाँ पर इन सेल्स की विड्थ। अब जैसे ही मैं इन सेल्स में टेक्स्ट टाइप करूंगा तो इनकी ऑटोमेटिक विड्थ बढ़ती जाएगी। तो टाइप कर लेते हैं कुछ इसमें, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सेल्स की विड्थ बढ़ती जा रही है। तो इस तरह आप, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह का टेबल यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप ऑटो फिट लेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली विड्थ बढ़ती जाएगी, अगर आप ऑटो फिट यूज़ नहीं करेंगे फिक्स्ड यूज़ करेंगे तो इस तरह आपका टेबल बना हुआ शो होगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अगेन मैं इंसर्ट टैब पे जा रहा हूँ, टेबल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से अब हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने ड्रॉ टेबल पर क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारे पास जो माउस पॉइंटर है वो अब पेंसिल में बदल चुका है, मीन्स कि अब हम ड्रॉ करके टेबल को क्रिएट करेंगे। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है। अब आप माउस से कीबोर्ड जो है आपके कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसको यूज़ करते हुए इसमें आप रॉज इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने प्रेस किया टैब, एक रॉ आ गई, फिर से प्रेस किया तो ये रॉ आ चुकी है। इसी तरह अब आप इस पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स कि इसमें आप टेबल में कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स को बना सकते हैं। तो मैं इस जो है मूव कर रहा हूँ
माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस किया हुआ है और मूव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये एक कॉलम अलग हो चुका है, ये अलग। इसी तरह जितने भी आप ड्रॉ करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल के डिज़ाइन और लेआउट टैब को सीखेंगे। या आप ऊपर देख सकते हैं हमारे पास लेआउट और टेबल डिज़ाइन के टैब्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनको सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।